Brands Flavor, जायकेदार और मजेदार। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबियन डिश कुनाफा, जिसके लिए हमें ये सब इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। 150 ग्राम सेवई ले लेंगे, इसे ये भुनी हुई लेना है, इसे हम भून लेंगे। अगर नहीं भुनी है, ये मैंने भुनी हुई सेवई ली हूँ। उसके बाद में बटर लगेगा 100 ग्राम, पिंच ऑफ कलर, और ये मैंने चीज की क्यूब ले ली हूँ, ये 3-4 क्यूब है। प्रोसेस चीज है, कोई भी चीज ले सकते हैं जो आपके पास हो। हाफ कप दूध लगेगा, और चाशनी बनाने के लिए हाफ कप शुगर लगेगी, और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लोर पाउडर लगेगा, और गार्निशिंग के लिए ये पिस्ता ले लेंगे चॉप करके, और हाफ टीस्पून वेनिला एसेंस जाएगा। आइए हम दूसरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं। ये हाफ कप दूध जो हमने लिया है, अभी गैस हमने चालू नहीं किया है, ये दूध डाल देंगे, हाफ कप दूध। स्वाद अनुसार शक्कर लेंगे, और 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर पाउडर जाएगा। अब गैस को हम चालू करते हैं। इसको हिलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, तो शक्कर भी हमारी घुल जाए और कॉर्नफ्लोर जो गया है वो भी घुल जाए, और जो चीज है ये चीज भी डाल देंगे। अच्छी तरीके से हिलाएंगे इसे। लम्स ना पड़े, अच्छी तरीके से हिलाते रहेंगे। अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेगा। हाफ टीएसपी वेनिला एसेंस जाएगा, हिलाते रहेंगे। गैस को थोड़ा फास्ट कर लेंगे। ये सॉस हमारा ठीक हो गया है, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। अब हम दूसरे प्रोसेस की तरफ जाएंगे। शुगर सिरप बनाना है, इसके लिए 1 ग्लास पानी डाल देंगे। ये 1/2 कप शुगर है, ये पूरा डाल देंगे। अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। पाव टुकड़ा नींबू इसमें निचोड़ कर डालेंगे। ये शुगर सिरप हमारा रेडी हो गया है, इसे 10 मिनट पकाएंगे, थोड़ा ठीक हो जाए। सौ ग्राम बटर में एक कलर मिला देंगे। ये जो सेवई रखी है उसको अच्छी तरीके से बारीक कर लेंगे, क्योंकि इसे हम ओवन में बेक करेंगे। इसे अच्छी तरीके से पोर कर लेंगे। तरीके से इसे मिक्स करेंगे। ये सेवई हम इसमें बिछा देंगे, बाउल में एक लेयर सेवई की बिछाएंगे। ये जो सॉस है इसे बिछाएंगे, इसे अच्छे तरीके से टैप कर लेंगे।
अच्छे से बैठ जाए ताकि ये लेयरिंग लगा देंगे अच्छी तरीके से। ये स्प्रेड कर लिया हमने, बिछा दिया। अब दूसरी लेयर है सेवई की, फिर लेयर लगाएंगे। अच्छे अच्छे से टैप कर देंगे ऐसा। अच्छी तरीके से टैप करेंगे। देखिए अब शुगर सिरप डालने का टाइम आ गया है। शुगर सिरप डालेंगे, मेरे ख्याल से इतना शुगर सिरप नहीं लगेगा, तो थोड़ा ही हम डालेंगे। हाँ, इसे गार्निश करेंगे। अब इसके बाद में ये ओवन में जाएगा 120 सेंटीग्रेड पे। आइए ओवन में चलते। ये ओवन में बीस मिनट के लिए इसे हम रख देंगे 140 डिग्री पे। ये हमारी खुनाफा की रेसिपी रेडी हो गई है, इसे सर्व करेंगे। ये देखिए क्रीमी क्रीमी। ये देखिए ये देखिए देखिए ये रेडी हो गई है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे कमेंट्स करिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।